वेलकम बैक दोस्तों, मैं कमलेश कुशवाहा फिर एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के ट्रिपल एस के में। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसी समय मेरे हाथ में रियल मी का C2 फ़ोन है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि इस फ़ोन में आप हिंदी कीबोर्ड कैसे डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो घंटे का निशान आएगा उसे दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और उसका आप लाभ उठाते रहें सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए करेंगे तो क्या दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों जाएंगे आप प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर से एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। क्या करना है मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों मैं आ चुका हूँ प्ले स्टोर में और यहाँ सर्च बार में सर्च करेंगे गूगल इंडिक कीबोर्ड और इसे जो है इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है, आप पहले इंस्टॉल कर लें उसके बाद खोलें। इसके बाद दोस्तों जो भी परमिशन मांगता है उसे दे दें और यहां से आप अपनी भाषा चुन लें। जीगार्ड से आपने जीगार्ड दिया गया होगा, देखिए दोस्तों। और उसके बाद इनपुट भाषा चुने कीबोर्ड की, यहाँ से चुन लेंगे और सिस्टम की भाषा को बंद कर देंगे। इसके बंद करते ही आपकी हिंदी और इंग्लिश अपने आप जो है लागू हो जाएगी इसके इसमें। देखिए दोस्तों यहाँ लागू हो चुकी है। अब क्या करेंगे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। चले जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों जाएंगे अन्य सेटिंग में। देखिए यहाँ है, अन्य सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों जाएंगे कीबोर्ड सेटिंग में। कीबोर्ड सेटिंग में जाने के बाद जी गार्ड पे टाइप करने के बाद जो है भाषा चुन लेंगे यहाँ से। मान लीजिए मैंने हिंदी चुन लिया, देखिए दोस्तों दिखाता हूँ। यहाँ से ऊपर से चुन लेंगे, इसे हिंदी चुन लिया मैंने। चुनने के बाद दोस्तों कीबोर्ड आएगा, ये देखो दोस्तों आ चुका है। इस पर राइट का निशान लगा देंगे और यहाँ नीचे से जो है यहाँ इसे चालू कर देंगे। देखिए दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से चालू कर देंगे। अब दोस्तों मैं दिखाता हूँ यह चालू हुआ या नहीं हुआ जो है। देखिए दोस्तों मान लीजिए मैंने यहाँ से कीबोर्ड खोल लिया, और यहाँ से कीबोर्ड खोल दिया। देखिए दोस्तों एक नया ऑप्शन आ चुका है, इस पर टाइप करेंगे आप तो हिंदी कीबोर्ड आ जाएगा, फिर इसी पर टाइप करेंगे तो इंग्लिश कीबोर्ड आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आसानी से आप इसमें जो है इस कीबोर्ड को डाल सकते हैं। तो एक वीडियो पर लाइक जरूर दे दें आप मुझे, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें जिससे मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कैसी बनी हुई है और आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।